हाय फ्रेंड्स, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेंगे तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस फोटो को देख रहे होंगे, तो हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं और इस सिंपल फ़ोटो को भी आप लोग देख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, इस फोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और टूल्स पर क्लिक करने के ऊपर ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसका ब्राइटनेस बढ़ा देना है और कंट्रास्ट को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम, एम्बियंस को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे और शैडोज़ को हम लोग थोड़ा सा यहाँ से कम करके और इसका वार्म हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और इसको भी सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद यहाँ से ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और क्या करना है, इसको हम लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 100 पे रख लेना है और कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है। और इरेज करने बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव करने बाद क्या करना होगा, फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से HDR स्केप पर क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को चौथे नंबर पे स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका सैचुरेशन बढ़ा देना है और इसके बाद इसको भी सेव कर लेना होगा। तो सेव करने बाद क्या करना है, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना होगा। व्यू एडिट पर क्लिक करने बाद HDR स्केप पर क्लिक कर देना है और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और ब्रश पर क्लिक करने बाद क्या करना होगा, यहाँ से इसको हम लोग 100 पे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको 0 रख लेना है और कुछ इस तरीके से फेस पर से इसको क्लीन कर लेना होगा और बॉडी पर से भी आप लोग को क्लीन कर लेना है, ठीक है। तो क्लीन करने बाद क्या करना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को भी सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स, सेव कर लेने के बाद फिर से क्या करना है, नीचे यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना होगा और सेव करने के बाद फिर से नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद हीलिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और हीलिंग पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से बॉडी पर ड्रॉ करना है तो ऑटोमेटिक ये रिमूव हो जाएगा, कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है। और रिमूव करने के बाद क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो सेव कर लेने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसका सर्किल छोटा करके ट्रांजिशन को 0 और इसको भी 0 रख लेना है और नीचे कोने में कर देना है, ठीक है। और इसको हम लोग ब्लर स्ट्रेंथ 50 या 55 के आसपास रख लेंगे और इसको सेव कर लेना है। तो दोस्तों, सेव कर लेने के बाद फिर से टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जिस फोटो को सेव किए थे उसी को ओपन कर लेना है और थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओपेसिटी फुल कर देना है और क्या करना है, यहाँ से इसको सेव कर लेना होगा। तो सेव करने के बाद फिर से ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद व्यू एडिट पर क्लिक कर देना है और व्यू एडिट पर क्लिक करने के बाद डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना होगा और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करने बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद क्या करना है, नीचे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इस पर क्लिक करने बाद क्या करना है, इसको हम लोग 0 रख लेंगे और कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में हम लोग ब्लर कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड में ब्लर कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर लेते हैं। तो ब्लर करने बाद क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है और सेव करने बाद क्या करना है, फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा और इसके बाद यहाँ से नीचे लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद नीचे जो सर्किल बना है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से ऊपर इस साइड से करके आप लोग को, अगर आप लोग को वाल होगा तो ब्लर स्ट्रेंथ हम लोग 60 के या 50 के करीब रख लेना होगा,
और इसका ट्रांजिशन विजनर टीशन जीरो और ट्रांजिशन उतना ही रहने देंगे। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ाकर इसको यहाँ से सेव कर लेना है। और सेव करने बाद क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना होगा। और बी एडिट पर क्लिक करने वाले लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और ब्रश पे क्लिक करें, इसको हम लोग 100 पे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से इस किनारे पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करना है, इसको भी सेव कर लेना होगा। और सेव करने बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से हम लोग को सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फेस पे रख लेना है। और फेस पे रखने पर इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, जिससे हम लोग का फेस गोरा हो जाएगा और सैचुरेशन को कम। और यहाँ भी रख लेना है हैंड पर भी, तो ब्लैक वाला तो ब्राइटनेस बढ़ा देना होगा। और यहाँ भी वही प्रोसेस आप लोग को करना होगा, ब्राइटनेस अगर आप लोग का ब्लैक होगा तो ब्राइटनेस को बढ़ाना है। और इसके बाद इसको सेव कर लेना है। और सेव करने बाद फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे और चौथे नंबर वाले ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से लिप पर इसको अप्लाई करना है, जिससे लिप रेड कलर का हो जाएगा। और इसके बाद इसको भी सेव कर लेना है। सेव करने बाद फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ से हम लोग को पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, स्मूथ टू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। और इसका फेस स्पॉटलाइट थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। और स्किन स्मूथ 70 या 80 के करीब रख लेना है। और इसके बाद इसको सेव कर लेना होगा। सेव करने बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस फोटो में, तो टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है। और उसको नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक रेड PNG को ऐड करना है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट पे रख लेंगे, और इसके बाद इसको भी सेव कर लेना होगा। सेव करने बाद ऊपर उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद बी एडिट पर क्लिक कर देना होगा, उसके बाद डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, ठीक है। और क्या करना है, इसको हम लोग 100 पे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है शर्ट पे। अगर आप लोग का शर्ट या टी शर्ट जो भी होगा, तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके आप लोग अपने शर्ट या टी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चेंज कर लेना होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ से हम लोग को इसको डन कर देना होगा। तो दोस्तों डन कर लेने के बाद इस फोटो को हम लोग सेव यहाँ से शेयर कर लेते हैं Adobe Lightroom एप्लीकेशन में। तो यहाँ से हम लोग शेयर कर लिए, और शेयर करने के बाद यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले क्या करना, आप लोग को एक प्रीसेट मिल जाएगा, तो इस प्रीसेट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले प्रीसेट को ओपन करने बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और 3 डॉट पे यहाँ से क्लिक कर देना होगा, और सबसे पहले कॉपी सेटिंग पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और कॉपी सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर जो भी फिलअप ऑप्शन खाली हो उसको भर लेना है, और इसको सेव कर लेना होगा। और सेव करने के बाद सिंपल फोटो पे आ जाना है, और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से हम लोग को पेस्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं वही क्वालिटी आ चुका है, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग का फोटो एडिट हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग इस फोटो को सेव कर लेते हैं।